Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। 2004 में भी तो एग्जिट पोल आए थे जब बीजेपी को बहुमत दे रहे थे, हुआ क्या आपको मालूम कि ये एग्जिट पोल करने वाले कौन है और कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। तो हमें नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही है। 4 तारीख को सब साफ जाहिर हो जाएगा। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है तो इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने यूपी में भाजपा को भारी सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वही देश के सबसे सटीक एग्जिट पोल आज तक एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल ने यूपी में भाजपा को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। चुनावी माहौल में आए इन एग्जिट पोल को लेकर यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया। यह मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन, जो एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भड़क गए। फिर भाजपा सरकार बताई जा रही है, क्योंकि सब 300+ सीटें बता रहे हैं अधिकतर एग्जिट पोल के, तो क्या मानना है इस चीज का? देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल थोड़ी है। ये तो 4 तारीख को मालूम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। 2004 में भी तो एग्जिट पोल आए थे जब बीजेपी को बहुमत दे रहे थे, हुआ क्या आपको मालूम है। कहीं ना कहीं चैनल भी मैसमराइज हैं और ये देखना पड़ेगा कि ये एग्जिट पोल करने वाले कौन हैं और कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। हमें ज़मीनी हकीकतें मालूम हैं। इस वक्त का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव किसी धार्मिक मुद्दे पे नहीं हुआ है, चुनाव हुआ है बेरोजगारी पे और महंगाई पे, किसान पे और गरीब पे, जिसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। तो हमें नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही है। 4 तारीख को सब साफ जाहिर हो जाएगा। अगर एग्जिट पोल जैसा बता रहे हैं, अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है तो इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं। और पर ये एग्जिट पोल का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करना, अधिकारी इन्फ्लुएंस हो जाएं और जो मार्जिनल सीट्स हैं उस पर किसी न किसी तरह से बीजेपी को जिताएं। एक इसका बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी होता है। लेकिन अब अधिकारी भी इस बात को जान रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत उनके सामने है कि क्या होने जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर रहेगा कि हिंदू मुसलमान नहीं चला इस इलेक्शन में, जो बीजेपी चाहती थी। आखिर वक्त तक कोशिश करी उन्होंने और वो नहीं चल पाया। तो जातियाँ ना ख़त्म हो सकती हैं ना ही ख़त्म की जा सकती हैं, जो है वो है। लेकिन हिंदू मुसलमानों की नफ़रतों को बढ़ाया नहीं जा सकता। प्यार मोहब्बत हमारी रगों में बहता है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप होगी इंडिया गठबंधन की, और जो जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं या पोल वाले दिखा रहे हैं, हो सकता है 4 तारीख को ये रूपोश हो जाएं और इनका किसी के हाथ ना है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि एग्जिट पोल अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया है। 4 जून को आने वाले नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। उन्होंने कहा कि अगर एग्जिट पोल जैसे ही आंकड़े नतीजों में सामने आते हैं तो साफ होगा कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है। हमारा टिकट जरूर कटा, लेकिन हम उसूलों की राजनीति करते हैं। हमने किसी से वोट देने को मना थोड़ी करा है, हमने किसी को रोका तो नहीं था। हमने तो 2 दिन पहले लोगों से अपील कर दी थी कि गठबंधन को जिताएं और सांप्रदायिक शक्तियों को हराएं। अगर उन्हें हमें अगर उनको हराना ही होता तो हम तो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते, तो क्या जीत जाती। तो मुरादाबाद के जो आपके सपा के नेता या कार्यकर्ता, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि 4 तारीख को मतगणना है, इस तरीके से उनको भी सचेत रहना है। उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सचेत रह के मतगणना कराएं और इधर से उधर टहले नहीं। हर ईवीएम का पूरा रिकॉर्ड लें और रिकॉर्ड लेने के बाद जो आरओ होगा उसको दें, ताकि कैलकुलेशंस में कोई कमी ना रह जाए।
और एक राउंड जब पूरा हो जाए तो उसका ऐलान हो जाना चाहिए कि इस राउंड में इसके इतने, ताकि हमारे कार्यकर्ता भी ये देख लें कि जो वो लिख रहे हैं उससे वो मिलान खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की संभावना आपको भी है? हाँ, मुझे भी है, क्यों नहीं है। ऐसी थोड़ी एनडीए की सरकार आने की बातें हो रही हैं। बता दें कि 4 जून को वोटों की काउंटिंग की जाएगी और मतगणना में कोई गड़बड़ी ना हो, इस पर नजर रखने के लिए विपक्षी पार्टियां अभी से तैयार हो गई हैं। अब देखना होगा कि जनता का फैसला क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर किसका कब्जा होगा। फिलहाल एसटी हसन के इस बयान पर, और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस ओर जाने वाली है, एग्जिट पोल को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।